देसी घी बनाने का ऐसा नया अनोखा तरीका यकीन मानिए आज से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। स्वागत है आपका इंडियन फूड सतवसा में। तो चलिए झटपट बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने 6 से 8 दिन की मलाई को फ्रिज में इकट्ठा करके रखा हुआ था। फ्रीजर में नहीं रखना, इस बात का हमें ध्यान रखना है। और ये नॉर्मल जो पैकेट का दूध आता है उस पर की मलाई है, इसकी जगह पर आपके यहाँ गाय या भैंस जो दूध आता है उस पर की भी मलाई उतार करके इस तरीके से आप देसी घी बना सकते हैं। और बर्तन के ऊपर हमने ढक्कन नहीं लगाया हुआ था तो आप देख सकते हैं मलाई काफ़ी सूखा सूखा सा लग रहा है। तो आप जब भी मलाई को स्टोर करें फ्रिज में करें, फ्रीजर में ना करें, उससे मक्खन बनने में समय ज़्यादा लगता है और उसके ऊपर काफ़ी ढेर सारा बर्फ जम जाता है। आपको बिना ढक्कन लगाए इस बर्तन को फ्रिज में रखना है और इस तरह से मलाई को स्टोर करना है। अब हम सारे मलाई को इस बर्तन में डाल देंगे और मलाई को अच्छी तरह से हमने फोड़ करके बराबर कर लिया है, इसमें ढोका ढोकी नहीं है। अब इसे हम गैस पर रख देंगे और गैस को ऑन कर लेंगे या जला देंगे। मलाई को हल्का सा पिघलने देंगे और जैसे ही हल्का सा पिघल जाएगा इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। आंच को धीमी रखेंगे, इस बात का हमें ध्यान रखना है, तेज आंच पर मलाई को गर्म नहीं करना है, धीमी आंच पर हल्के हल्के इसे गर्म हो जाने देना है। यहाँ हमने आधा कप छाछ लिया हुआ है जिसे मट्ठा भी कहते हैं, इसमें से हम थोड़ा सा छाछ इसमें डाल देंगे, इकट्ठा नहीं डालेंगे, बस थोड़ा सा डालेंगे और थोड़ा सा बाद में डालेंगे। अगर आपके पास छाछ नहीं है तो इसकी जगह पर दही में थोड़ा सा पानी मिलाकर उसे पतला कर लीजिए और उसके बाद उसको इस तरीके से डाल दीजिए। अब हमने पूरे छाछ को डाल दिया, अच्छी तरह से इसे हम फेंट लेंगे या मिला देंगे और मिलाने के बाद उंगली डाल करके चेक करेंगे तो इतना ये गर्म है कि उंगली को ये बर्दाश्त कर ले रहा है, यानी कि हल्का गर्म होना चाहिए। और जैसे ही इतना ये गर्म हो जाएगा गैस को हम बंद कर देंगे। यहाँ हमने कुछ बर्फ़ के टुकड़े लिए हुए हैं, इसको इसमें हम डाल देंगे और अच्छी तरह से बर्फ़ के टुकड़ों को मलाई में मिला देंगे। मिलाने के बाद बर्तन के ऊपर ढक्कन लगा देंगे और इसे हम रात भर के लिए फ्रिज में रख देंगे या 6 से 8 घंटे के लिए किसी ठंडी जगह पर रख देंगे। अगर आप इसे फ्रिज में रात भर के लिए रख देते हैं तो उसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा आता है, तो इसे आप रात भर के लिए फ्रिज में ज़रूर रख करके देखें। रात भर हमने इसे फ्रिज में रखा हुआ था और ये देखिए काफ़ी अच्छी तरह से ये जम गया है। तो अब इसे हम मथेंगे। मथने के लिए आप इस तरह से हैंड विस्कर का भी प्रयोग कर सकते हैं या मथनी का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इसको हम नए तरीके से आज मथेंगे। तो यहाँ हमारे पास मिरिंडा का ये बॉटल है, इसकी जगह पर आप इस तरह का कोई कड़क प्लास्टिक वाला बॉटल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे पेप्सी वगैरह का जो बॉटल आता है उसका भी। और इस बॉटल को हम बीचों बीच मलाई में रख देंगे इस तरह से, यानी कि दबा करके इसको हम बीच में कर लेंगे। ध्यान रखना है कि जिसमें हम पानी वाला बॉटल आता है उसका यूज नहीं करना है। बॉटल काफ़ी सॉफ्ट होता है, काफ़ी पतला होता है, तो जैसे ही उस बॉटल को हम इस तरीके से पकड़ेंगे तो वो चिपटा हो जाएगा, यानी कि चिपक जाएगा या पिचक जाएगा। तो इस तरीके से हमें बॉटल को बीच में रखना है मलाई के, और इस तरह से हमें 2 से 3 मिनट तक इस तरह से घुमाना है। बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, हल्के हाथ से इसे हमें गोल गोल घुमाना है। 1 से 2 मिनट के बाद आप देखेंगे इसमें से छाछ निकलना शुरू हो गया, ये देखिए। तो इसे हम थोड़ा सा और इसी तरीके से फेंट लेते हैं। जैसे जितना जितना हम इसे फेंटेंगे उतना ही इसमें से छाछ निकलना शुरू हो जाएगा। लगभग 4 से 5 मिनट तक आपको इस तरीके से फेंटेंगे तो इससे पूरी तरह से छाछ जो है बाहर निकल जाएगा। और ये देखिए मक्खन बनना शुरू हो गया है, पूरी तरह से बन गया है। तो हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा ये बर्फ़ का टुकड़ा डाल देंगे। गर्मी का दिन है तो मक्खन बनने में काफ़ी समय लगता है, लेकिन इस तरीके से आप बनाएंगे ना तो 4 से 5 मिनट का आपको टाइम रहेगा। और ये देखिए बॉटल के ऊपर सारा मक्खन जो है चिपक गया है, इसका मतलब ये पूरी तरह से तैयार है। तो हम क्या करेंगे, सारे मक्खन को इकट्ठा कर लेंगे और ये बॉटल में जो मक्खन लगा हुआ है इसको वापस बर्तन में इस तरीके से छुड़ा करके डाल देंगे। इस बॉटल को आप गर्म पानी से धुल करके दोबारा भी प्रयोग कर सकते हैं। सारे मक्खन को इस तरीके से हम समेट लेंगे और समेटने के बाद हाथ में अच्छी तरह से इकट्ठा कर लेंगे। और जो छोटा छोटा मक्खन होगा उसे हम छलनी की सहायता से बाद में छान लेंगे। तो इस तरीके से सारे मक्खन को हमने इकट्ठा कर लिया, आप देख सकते हैं कम समय में कितना ढेर सारा मक्खन हमने बना करके तैयार कर लिया। और यहाँ बर्तन में हमने ठंडा पानी लिया हुआ है तो इस मक्खन को हम ठंडे पानी में डालेंगे और अच्छी तरह से हम मक्खन को 3 से 4 बार साफ पानी से धुलेंगे, यानी कि ठंडे पानी और साफ पानी से इसे हमें धुलना है। तब तक धुलेंगे जब तक ये पानी बिल्कुल एकदम बिल्कुल साफ नहीं आपको दिखने लगे, यानी कि 3 से 4 बार, जब तक कि ये दूध का पानी या छाछ का पानी पूरी तरह से निकल नहीं जाता। इससे क्या होगा कि जब हम घी बनाते हैं तो उसमें से काफ़ी
जैसे ही मलाई पिघलने लगती है, मक्खन पिघलने लगता है, तो उसमें काफ़ी स्मेल सी आने लगती है। लेकिन इस तरीके से अगर आप मक्खन को अच्छी तरह से धुल देते हैं, पूरा उसमें से दूध या छाछ निकाल देते हैं, तो घी बनाने में महकता भी नहीं है और उसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा आता है। घी बनने में बहुत कम समय लगता है। तो इस तरीके से हमने मक्खन को 3 से 4 बार ठंडा और साफ पानी से धुल लिया। अब इसे छलनी में इस तरीके से हम छान कर रख देंगे और इसका पानी निकल जाने देंगे। यहाँ हमने बटर पेपर लिया हुआ है और इस मक्खन को हम बटर पेपर पर रख देंगे। इसे थोड़ा सा चपटा कर लेते हैं, इसमें पानी नहीं है, आप देख सकते हैं पूरी तरह से सूखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, बटर पेपर को इस तरीके से हम फोल्ड कर लेंगे, चारों तरफ से रैप कर लेंगे इस मक्खन को। इस मक्खन से घी बनने का रिजल्ट आप देखिएगा कितना अच्छा आएगा, एक बार आप ज़रूर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। और इस तरह से इसको हमने मोड़ लिया। यहाँ हमने प्लास्टिक का कंटेनर लिया हुआ है, आप कोई सा भी बर्तन ले सकते हैं, टिफ़िन बॉक्स भी ले सकते हैं। और इसको हम मक्खन को इस तरीके से इस कंटेनर में रखेंगे, ढक्कन लगाएंगे और इसको 1 दिन के लिए हम फ्रिज में रख देंगे। तो अगर आप इस तरह से कंटेनर में नहीं रख सकते तो मक्खन निकालने के बाद उसे आप 1 दिन के लिए फ्रिज में रख दीजिए, उसके बाद घी बनाइएगा। यकीन मानिए आपको विश्वास नहीं होगा, दुगना घी निकलेगा और इतना कम समय में निकलेगा कि देख करके आप हैरान हो जाएंगे। अब इसको हमने बाहर निकाल लिया, इसका रैप खोल देते हैं और ये हमारा मार्केट की तरह बटर बन करके तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि इस मक्खन को अगर आप मार्केट की तरह बटर की तरह प्रयोग करना चाहते हैं तो आपको अच्छी तरह से धुलना होगा, इसमें पानी नहीं रहने देना है। अब मैं इसे काट करके आपको दिखा देती हूँ। तो इस बटर को आप जैसे मार्केट का बटर लाते हैं, ब्रेड पर लगा करके खाते हैं, सब्जियों में डालते हैं, सूप में डालते हैं, उस तरह से इसे आप 15 दिन तक रख करके स्टोर करके आप फ्रिज में इसका यूज़ कर सकते हैं। इसे मैं निकाल करके दिखा रही हूँ, ये देखिए इसका टेक्सचर देखिए। और ये मार्केट का बटर मेरे पास है, इसका भी टेक्सचर मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इसको हमने थोड़ा सा बाहर रखा हुआ था तो ये थोड़ा सा पिघला हुआ है पहले से ही, यानी कि थोड़ा सा नरम है। इसको मैं ब्रेड पर लगा के दिखाऊंगी, आप दोनों का कलर देख सकते हैं। तो ये देखिए हमने घर का जो बटर निकाला है उसको लगा करके दिखाया। अब इसी के ऊपर मैं मार्केट का भी बटर लगा के दिखाऊंगी। ये देखिए दोनों का कलर देखिए, दोनों का टेक्सचर देखिए। तो इस तरीके से आप बटर बनाकर इसे घर में भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल आपको मार्केट की तरह दिखेगा। तो इसे मैं बटर नहीं बनाऊंगी अभी, इसे मैं उठाऊंगी और इस मोटी तल्ले वाली कढ़ाई में, एल्युमिनियम कढ़ाई हमने लिया है, इसमें डाल दूंगी और थोड़ा सा इसे हम पिघलने देंगे ताकि ये जल्दी से पिघल जाएगा और गैस की थोड़ी हमारी बचत हो जाएगी। अब इसको हमने गैस चला करके कढ़ाई को गैस पर रख दिया और इस तरीके से इसे पिघल जाने देंगे। और ये हमारा मक्खन जो है, जिसको हमने कि एक्स्ट्रा पानी से छान करके निकाला हुआ था, इसको हम वापस कढ़ाई में डाल देंगे। कढ़ाई का मक्खन गर्म है तो इस तरीके से हम छलनी को डाल देंगे तो पूरा मक्खन जो है पिघल करके वापस कढ़ाई में चला जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको हल्का सा पिघलने देंगे। तेज़ आंच पर घी को हमें नहीं बनाना है, जैसे हम तेज़ आंच पर घी को बनाते हैं घी अच्छी तरह से पक नहीं पाता है, कलर भी उसका लाल हो जाता है। तो आप इसे बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर पकाएं। और यहाँ हमने एक टुकड़ा ये गुड़ लिया हुआ है, गुड़ को डाल देंगे, इससे घी का कलर अच्छा आएगा और आप घी को सालों साल सुरक्षित भी रख सकते हैं। तो इसमें हम थोड़ा सा पानी का छींटा मारेंगे, छींटा मारने के बाद अच्छी तरह से इसको हम चलाएंगे, इससे घी बहुत जल्दी बनता है और रवादार बनता है। थोड़ा सा छींटा और मारेंगे, 2 बार छींटा मारना है, थोड़े थोड़े पानी का मारना है। और आप देख सकते हैं ये इसका कलर ब्राउन होना शुरू हो गया है। तो हम क्या करेंगे कि जैसे ही हल्का सा ये ब्राउन होगा गैस को हम ऑफ़ कर देंगे, क्योंकि मोटे तल्ले वाले एल्युमिनियम की कढ़ाई हमने लिया हुआ है तो अपने आप घी पक करके एकदम डार्क ब्राउन हो जाएगा। ये देखिए ये हमारा घी बन करके तैयार हो गया, ये पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। इसे हम छान लेते हैं। कम समय में काफ़ी आसान तरीके से आप इस देसी घी को बना सकते हैं। और आप खुरचन देख सकते हैं कितना कम खुरचन निकला हुआ है, और आप देख सकते थे कि हमने मक्खन कितना ज़्यादा निकाला था। और मक्खन निकालने के बाद आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा घी का बनाने का जो समय था कितना कम लगा। और ये देख सकते हैं आप मेरी कढ़ाई कितनी क्लियर आई है और खुरचन कितना कम निकला हुआ है। और ये ठंडा होने के बाद घी का मैं आपको टेक्सचर दिखाती हूँ। ये देखिए
बिल्कुल मार्केट से भी बेहतरीन घर पर रवादार देसी घी आप बना सकते हैं। इस घी को आप सालों साल सुरक्षित रख सकते हैं, इसमें कोई स्मेल नहीं आती, कोई फफूंदी नहीं लगती। बस आप इसे साफ सूखे के शीशे के जार में या स्टील के चौड़े मुँह वाले बर्तन में स्टोर करके रखें। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।